YouTube channel Ekdant Environment Education. Here we are providing the lectures on GATE 2024 Environment Science and Engineering. And apart from that, these lectures are very much helpful to all the examinations where the Environment Engineering is included. Right? So, already we have completed the three to four lectures on this subject and continuing with the section water resources and environmental hydraulics ahead so let's start today we are going to discuss about the estimation of missing data of rainfall okay how we are going to calculate the missing data of the rainfall second topic will be methods to calculate the mean precipitation over the area different different area will be there and we will going to calculate the mean precipitation the third topic will be the index of wetness friends moving ahead with the topic if you have not subscribed the channel please subscribe liked and press the bell icon for the notifications and share with your friends so that द लैक्चर्स शुड बी कन्वेड टू योर फ्रेंड्स लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा हम स्प्रेड कर पाए अपने फ्रेंड्स के बीच में ईज़िली एसेसिबल है यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे कुछ कंटेंट्स ऐसे भी हैं जो आपको नहीं मिलेंगे और वो मैं आपको रिफ़र करके दूँगा मेरे लेक्चर्स के अंदर बहुत ही सारे रेफरेंस बुक्स हैं रिलेटेड टू ऑल दी सब्जेक्ट्स वो सभी रिफ़र करके प्रेजेंटेशन बनता है सो so, अपार्टली please uh, subscribe the channel and uh, more than that uh, one telegram channel is also there uh, with the name of an en ekdant environment education you can subscribe that channel also because all these study materials like uh, uh, handwritten notes uh, presentations whatever we are going to take place in the youtube channel so all that materials will be sent to you through telegram channels so you can join that channel okay and uh, moving ahead with the now topic these three topics we are going to cover today the very first one is estimation of missing data of rainfall before going to this topic how to calculate the missing data of rainfall we have to understand some of the terminologies like एवरेज एनअल रेनफॉल एवरेज एनअल रेनफॉल एनुअल रेनफॉल मीन्स यॉर ईयरली रेनफॉल एक साल के अंदर जो भी रेनफॉल हुआ है जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ है ऐसे हम थर्टी फाइव ईयर्स का अगर हम डेटा उठा के देखते हैं और उसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज को हम बोलते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल एक सिंपल टर्म्स में था अब डेफिनेशन हम अगर पढ़ते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल कलेक्टेड इन ईयर इज नोन एज एनुअल रेनफॉल एंड द द एवरेज ऑफ एनुअल रेनफॉल डेटा ऑफ द लास्ट थर्टी फाइव इन इज नोन एज द एवरेज एनुअल रेनफॉल ठीक है नेक्स्ट द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर डेट मंथ और दर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज नॉर्मल प्रेसिपिटेशन नाउ द डेली रेनफॉल अब डेली रेनफॉल किसको बोलते हैं जो 24 फोर लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में जो बारिश हुई है उसको हम बोलेंगे डेली रेनफॉल ओके सो हेर यू कैन सी दैट द फर्स्ट मैथड फॉर कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग द मिसिंग डेटा ऑफ द रेनफॉल इज यरेथमेटिक मीन मैथड इन एरेथमेटिक मीन मैथड ऑल द नियर बाई स्टेशन दैट इज विध इन द टेन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल एनुअल प्रसिपिटेशन एट स्टेशन एक्स जो भी हम एक्स uh, स्टेशन के रेडियस में देखेंगे जो नियर बाई स्टेश जो प्लस और माइनस टेन परसेंट के रेंज में है उसका डेटा हम कंसिडर करेंगे एरेथमेटिक मीन मेथड के अंदर सो द फॉर्मूला फॉर डैट इज पी एक्स px will be your arithmetic mean at a station x and that will be equal to p1 plus p2 up to pn by number of stations okay next the second method is your normal ratio method first one was arithmetic mean method second one is the normal ratio method and इट इज़ यूज इफ दॉर्मल प्रसिपिटेशन एट एनी ऑफ द सिलेक्टेड स्टेशन डिफर बाई मोर देन टेन परसेंट ऑफ दिलेक्टेड स्टेशन यहाँ पर जो मैथड में ये जो नॉर्मल रेशियो मैथड है इसमें हम डिफर कितना देखते हैं मोर देन टेन परसेंट जो हमारा सिलेक्टेड स्टेशन है जो एक्स स्टेशन है उससे अगर डिफर हो रहा है जो रेशियो है नॉर्मल प्रसिपिटेशन है वो वैल्यू अगर मोर देन टेन परसेंट डिफर हो रहा है मोर देन टेन परसेंट तो हम नॉर्मल रेशियो मेथड से जाएंगे और अगर आपका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन टेन परसेंट से कम है विद इन द टेन परसेंट ऑफ द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट सिलेक्टेड स्टेशन है ना जो डिफरेंस है वो लेस देन टेन परसेंट है तब हम एरेथमेटिक मीन मेथड पे जाएंगे सो द फॉर्मूला फॉर द नॉर्मल रेशियो मेथड इज पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन एन nx is your normal precipitation at a selected station that is x and normal precipitation of all the different station is n now p1 p, p p1 by n1 plus p2 by n2 up to pn by nn ठीक है ना तो जैसे ही हम ये formula रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा हमको क्या मिल जाएगा हमको मिलेगा प्रेसिपिटेशन और द रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर स्टेशन एक स्टेशन का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या है प्रेसिपिटेशन uh, क्या है मतलब रेनफॉल क्या है है ना वो मिलेगा हमको पी एक्स से सो दीज आर टू मैथड्स टू कैलकुलेट द मिसिंग डेटा और अकॉर्डिंगली हम इस दो मैथड्स पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर और मीन इन बिटवीन Uh, उसके अंदर हम देखेंगे कि यूजिंग दिस फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको uh, आ सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट और आपको एक टेबलर फॉर्म में पूरा डेटा दिया जाएगा नॉर्मल प्रसिपिटेशन का और ये सब का और फिर आपको बोला जाएगा कि आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि हम नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करना होगा आपको हर एक स्टेशन का दिया रहेगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू एस्टिमेट द मिसिंग रेनफॉल डेटा राइट फ्रेंड्स क्लियर मूविंग अहेड मैथर्स टू कैलकुलेट द मीन प्रेसिपिटेशन ओवर द एरिया अब मीन प्रेसिपिटेशन जो हमने फॉर्मूला देखा था कि ऑप्टिम रेनगेज फाइंड करने के लिए लास्ट लेक्चर में कि लास्ट लेक्चर में जो मीन प्रेसिपिटेशन का फॉर्मूला था आपका क्या था पी पी बार से हमने डिनोट किया था मीन प्रेसिपिटेशन को ठीक है अब ये मीन का जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगा हमें तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये सभी फार्मूलाज हैं यहाँ पर पहला जो उसमें से फार्मूला है द वेरी फर्स्ट फार्मूला इज योर एरेथमेटिक मीन मैथड सेकेंड वन इज पॉलीगन मैथड एंड द थर्ड वन इज द आइसोहाइटल मैथड सो देर आर टोटल थ्री मैथड्स ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट अब एक बाई एक एक करके हम सभी मैथड्स को देख लेते हैं और ये सभी मैथड्स के बेसिस पे हंड्रेड परसेंट एक न्यूमेरिकल होता है दो मार्क का गेट एग्जाम्स के अंदर तो आपको ये इस पे मैथ इस मेथड के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट देते रहना है जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे आप यहाँ से भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए कुछ सब्जेक्ट्स आपको जहाँ से अच्छा लगता हो वहाँ से आप पढ़ते रहिए लेकिन प्लीज उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए सो डैट आप अपने एक डिफाइंड गोल को अचीव कर पाएंगे सो डैट आप इजिली प्लानिंग के साथ अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाएंगे ओके okay फ्रेंड्स तो एरेथमेटिक मीन जो था हमारा टॉपिक फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द मीन प्रेसिपिटेशन ओवर द एरिया इज पी बार इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अप टू पी एन बाय टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस और द रेन स्टेशन वेयर पी बार इज वॉट योर एवरेज प्रेसिपिटेशन ओवर कैचमेंट एरिया फॉर गिवन टाइम

और ये सभी रेनगिजिस से प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करूंगा इंडिविजुअल स्टेशन का जो भी प्रेसिपिटेशन मुझे मिलेगा वो सभी डेटा को मैं इस फॉर्मूला में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मीन प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट कैचमेंट एरिया इस कैचमेंट एरिया का मीन प्रेसिपिटेशन मिलेगा गॉट इट इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट इन द नेक्स्ट

एंड थिसन पॉलीगन हर एक एग्जाम में पूछते हैं कि थिसन पॉलीगन का फॉर्मूला बताओ या तो थिसन पॉलीगन के अंदर जो वेटेड एवरेज होता है वो क्या होता है वो बताओ है ना वेटेड एवरेज किसको बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट गेट एग्जाम्स में कैलकुलेट करना होता है आपको मीन प्रेसिपिटेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली ओके सो थिसन पॉलीगोन इज अ मैथड इन विच द रेन गिजिस आर कैप्ट आउटसाइड द कैचमेंट एरिया जो एरेथमेटिक मीन था उसमें मैं भूलिए आपको बताना कि एरेथमेटिक मीन के अंदर क्या होता है जो हम रेनगिजिस को लोकेट करते हैं वो इनसाइड में रहता है ओके एंड थन पॉलीगोन के अंदर जो रेनगिजिस होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं वो कैचमेंट एरिया के बाहर करते हैं एंड

And a1 a2 up to a n are the areas of the respective thyssen polygon. The average rainfall over the catchment P bar is computed as a mean bar kaise karenge? particular precipitation into that particular area, rainfall into area. Okay. So the formula will become P1 A1 plus P2A2 up to Pn A n whole divided by total area. टोटल एरिया ऑफ द पॉलीगॉन हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये तो फॉर्मूला आपको समझ पड़ गया क्या हो गया नेक्स्ट ये जो दिख रहा है आपको वेटेड फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है कुछ बच्चे तो इस चीज को रिकॉल ही नहीं कर पाते कि वेटेड फैक्टर क्या होता है अगर एग्जाम में आपको दे दिया दैट दैक्टर इज दिस मच एंड टोटल प्रेसिपिटेशन इज दिस मच टोटल प्रेसिपिटेशन दे दिया आपको और वेटेज फैक्टर दे दिया आपको और आपको कैलकुलेट करना मीन फैक्टर तो आप सोचोगे कि ये चीज़ तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है मैंने तो तीन ही मैथड पढ़ी है हाइसो हाइटल थिसन पॉलीगन एंड एरिथमेटिक तो उसमें तो ऐसा कुछ आया ही नहीं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूलाज़ को अच्छे से देखिए और उसके अंदर जो वर्डिंग्स हैं उसको भी पढ़िए सो डैट आपको पता चलेगा कि वेटेज एवरेज भी क्या होता है कुछ टाइम क्या होता है ना सिंपल चीज़ को भी घुमा के पूछने से वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है और वो चीज़ तभी पूछी जाती है लोगों को पता है कि जस्ट स्टूडेंट्स यूज टू रीड द फॉर्मूलाज एंड कम टू दी एग्जामिनेशनस प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम दैट अ थॉरो रीडिंग ऑफ द मटेरियल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू राइट द गेट एग्जाम कॉन्प्ट क्लियर करने के लिए आपको ये दो चीज करनी ही पड़ेगी कि न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस और थॉर रीडिंग ऑफ दी बुक्स रीडिंग्स जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस फॉर न्यूमेरिकल पावर पोर्शन में बिल्ट अप होगा तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है फॉर क्वालिफाइंग द गेट एग्जाम नेक्स्ट डी हाँ अब यहाँ देखिए है ना ये एक पॉलीगॉन है दिस इज वन ऑफ द पॉलीगॉन अब इसके अंदर जो आपको दिख रहा है

है ना अब आपने कैचमेंट भी देखा होगा कि कैचमेंट कैचमेंट एरिया कैसा होता है वाटर शेड एरिया राइट दिस रिजिस रहते हैं रिजिस की वजह से क्या होता है एक पर्टिकुलर स्लोप स्लोप डेवलप होता है वो स्लोप डेवलप होने की वजह से अगर आपने यहाँ पर रेन रेन गिजिस को इंस्टॉल किया है तो यहाँ का जो रेनफॉल है वो पर्टिकुलरली इस पे ही जाएगा ड्यू टू नेचुरल स्लोप यहाँ का पानी क्या होगा वो दूसरे रेन ये दूसरे स्टेशन पे तो नहीं जाएगा इसकी वजह से क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर स्टेशन को पर्टिकुलर स्टेशन को सॉरी फ्रेंड्स हम क्या करते हैं पर्टिकुलर स्टेशन को एक एरिया से बाउंड कर देते हैं सो so डैट वो एरिया का जो भी प्रेसिपिटेटेड वाटर होगा वो एक रेनगेज के अंदर कलेक्ट होगा ठीक है so, सो यहां पर आप देख रहे हैं कि टोटल सिक्स स्टेशन था अब इस स्टेशन को स्टेशन नंबर वन को ए डी सी बी इस एरिया से कन्फाइंड किया है सिमिलरली स्टेशन टू जो है उस स्टेशन टू पे कौन कौन से पानी जाने वाले हैं तो ये उसका बाउंडिंग एरिया है ये तो के ए डी एंड द लास्ट वन इज सी तो इस एरिया से बाउंड हुआ स्टेशन नंबर टू तो अकॉर्डिंगली हम पूरे एरिया को क्या करते हैं स्लोप वाइज और कंटूर वाइज हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर लोकेशन में कितने रेंगेजिस हमको इंस्टॉल करना है ठीक है फिर उसका देखिए एरिया पर्टिकुलर एरिया निकाला हुआ है ए वन ए टू अपू ए एन और उसका फिर क्या है टोटल एरिया हमें पता ही है कैचमेंट का कितना है इंडिविजुअल एरिया का एरिया मिल गया हमें तो वेटेज एवरेज मिल जाएगा प्रेसिपिटेशन तो हमें से मिल ही रहा है उसके साथ हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वेटेज एवरेज वेटेज फैक्टर हमें क्या मिल जाएगा वहाँ का मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट हो जाएगा राइट समझ गए नेक्स्ट

उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आइसो हाइट लाइन दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दैट यूज टू बी आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन नॉट इन द गेट बट अदर एग्जामिनेशन लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसी भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम होगा या कोई भी एग्जाम होगा स्टेट डिपार्टमेंट uh, का तो उसके अंदर एनवायरमेंट का अगर सब्जेक्ट है फॉर सिविल इंजीनियर्स तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइसो हाइट किसको बोलते हैं ओके सो आइसो हाइट इज अ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड एंड आर द कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल फ्रेंड्स नाउ हाउ टू यूज दिस मैथड टू कैलकुलेट द मी सपोज इन दिस मैथड वी हैव टू कंसिडर अस्टेशच आर नियर बाई टू दैचमेंट एरिया सिमिलर टू दैट थिंग हमने जैसे कि थीसन पॉलीगोन में देखा था यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा कि से फॉर एग्जाम्पल ये आपका कैचमेंट एरिया है कैचमेंट एरिया में अगर आपने यहाँ पर दो रेन गजेस इंस्टॉल किया है तो रेन गिजेस ऐसे इंस्टॉल करने हैं सो डैट जो आपका वाटर है रेनफॉल वाटर है या रे, आ, रेन है वो आपका नियर बाय स्टेशन पे ही जाए ना कि वो डिस्टर्ब हो जाए और यहां से पास होके दूसरे पे चले जाए तो इससे क्या होगा जो हमारा एक्यूरेसी है वो डिक्रीज हो जाएगा है ना इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम गेजेस को इंस्टॉल करते हैं गॉट इट नेक्स्ट

टिव स्टेशन अब आप यहां देख सकते हैं कि जो एरिया है वो ए एन माइनस वन लिया गया है है ना और यहां पर जो रेन रेन गेजेस गेजेस है है वो rain gauges कितने हैं एरिया से ज्यादा है।, है ना जैसे कि मैंने अगर पी एन गेजेस लिए हैं तो मुझे एरिया कितने डिवाइड करने होंगे टोटल टोटल एरिया को ए एन पार्ट में बट इन आइसोहाइटल मैथड्स टोटल एरिया इज ए टोटल रेन गिजेस इंस्टॉल्ड आर पी एन बट द टोटल एरिया इज डिवाइडेड इन टू ए एन माइनस वन नंबर ऑफ गेजेस से एक एरिया माइनस लिया गया से फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ऑफ रेन गेजेस टेन इंस्टॉल किए हैं तो मुझे एरिया कितना मिलेगा टोटल एरिया को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा नाइन पार्ट में अब इससे क्या हो रहा है कि कम एरिया में ज्यादा गेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं जिसके वजह से आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन प्रेसिपिटेशन इज पी वन प्लस पी टू बाई टू एवरेज ऑफ दू प्रेसिपिटेशन एट टू गेजेस उसका एवरेज ले लो मल्टीप्लाई बाई एरिया अगेन

इंडेक्स ऑफ वेटनेस दर्ड टॉपिक ऑफ आर टूडेज लेक्चर दट इज इंडेक्स ऑफ वेटनेस नाउ इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज यूज टू फाइन द रेनफॉल वेरिएशन और डेविएशन ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर एंड इज गिवन बाई द फॉर्मूला इंडेक्स ऑफ वेटनेस का फॉर्मूला है रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर ईयर एक साल का रेनफॉल कितना है एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एक लोकेशन पे एक साल का रेनफॉल कितना है और जब हम उसको एवरेज एनुअल रेनफॉल से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है इंडेक्स ऑफ वेटनेस इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड इन प्रेजेंट परसेंटेज फॉर्म दैट्स फाइव हंड्रेड इज कम इन द पिक्चर बट द इज रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर year at a particular place divide by average annual rainfall. Rainfall deficiency again very much important how to calculate the rainfall deficiency. So this is the important formula. Rainfall deficiency is calculated as 100 minus index of wetness. Got it? By this we can calculate the index of वेटनेस नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट सम कंडीशंस विल भी गिवन दैट द रेनफॉल डेफिशियंसी इज से फॉर एग्जाम्पल लार्ज डेफिशियंसी देन एज्यूम द डेटा एज पर दार्ज डैफिशियसी वॉट विल भी द डेटा सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट द परसेंटेज ऑफ रेनफॉल डेफिशियंसी फॉर द लार्ज डैफिशियसी अगर बहुत ही बड़ा डैफिशियसी है तो आपको डेटा एज्यूम करने होंगे तो उस केस में आप क्या करोगे सो so, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये है इसको आप नोट कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अनलेस एंडिल यू आर नॉट गोइंग टू नो अबाउट व्हाट विल बी द डेफिशिएंसी परसेंटेज इन लार्ज सीरियस एंड डिजास्टर्स देन यू कॉन्ट बी एबल टू एप्ली किट और इम्ली डेट Uh, percentage into the numericals. So if the rainfall deficiency is between the range of 30 to 45 then it is called as the large deficiency and if the deficiency is if the deficiency is 45 to 60 it is serious. 30 to 45 it is large and if more than 60% is deficiency then it is disastrous. Enough. डेफिशियंसी क्या होता है वो आपको पता है कि बारिश नहीं होना वो हमारा डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है बारिश ही नहीं हुआ है तो हम कौन सा पीरियड आएगा ड्राउट पीरियड सो डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल लीड्स टू ड्राउट एंड इंडिया में ड्राउट का कंडीशन होता है है ना वी आर फेसिंग द ड्राउट इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री सो इफ द रेनफॉल डेफिशियंसी इज मोर देन सिक्सटी परसेंट देन we are going to face the disastrous deficiency so these were the our topics of uh, section water resources and environmental hydraulics we will continue with the next upcoming topics and if you like this video please like subscribe and press the notified bell button so that you, whenever i upload the videos you get the notification of that thing and as per your convenient time you can watch it and as per your schedule time you can watch it and please share with your friends also if you find that the videos are very much uh, useful to use okay and uh, if some uh, error or uh, some problems in delivering is happening then uh, please uh, forgive for that thing because uh, i am having the less uh, facilities to provide you the material and the lectures on the YouTube. Even though whatever materials I have, I will surely be sharing with you in the telegram channel. So subscribe that thing also and you will accordingly get all the materials over there. So friends thank you so much. Keep study keep your health good. Thank you so much for watching the Ekdant Environment Education.